सलाम अदाब एन जी आई यूनो टू ऑल द लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशहाल शादोआबाद जहाँ भी होंगे। रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे इंजॉय, क्योंकि आज मैं नॉवल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रिव्यू के लिए। वो है सबसे अछूता, मुनफरद और दिलचस्प, ऑसम है, ऑसम और अमेजिंग है। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि हमारे प्रीवियस प्रोग्राम्स में जिन्होंने कमेंट किया और अपनी राय का इजहार किया और हमें इंकरेज किया, मोटिवेट किया, क्योंकि आपकी मोटिवेशन और इंकरेजमेंट हमारे लिए लेके आती है ड्राइविंग फोर्स, और हम लेके आते हैं आपके लिए नए से नए नॉवल्स रिव्यू के लिए। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में, लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना प्रोग्राम बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। इलामा इकबाल की एक शायरी वो आप लोगों को सुनाना चाहूंगी, जिससे आप गेस कर पाएंगे कि वो नॉवल कौन सा है। और कमेंट सेक्शन में आके अपने रिव्यूज और अपने कमेंट्स भी लिखते जाइए कि आपको क्या लगता है कि आज कौन सा नावल मैं लेके आई हूँ। चलें तो मैं शायरी आपके साथ शेयर करती हूँ। दियारे मगरिब के रहने वालों, दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, राह जिसे तुम समझ रहे हो, राह जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम आयार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। ये शाक नाजुक कोई आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। जी जनाब, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि खुदा की बस्ती इस नावल का नाम है जिसे तहरीर किया है शौकत सदीकी ने, और ये सबसे सब अव्वल के राइटर समझे जाते हैं। क्लासिकल राइटिंग में इनका नाम बहुत ही मशहूर है, मकबूल तरीन है, और इन्होंने काफ़ी तहरीरें हमारे लिए कलमबंद की हैं, जिनमें खुदा की बस्ती, चार दीवारी, तीसरा आदमी, जंगलूस, रातों का शहर, अंधेरे दर अंधेरे शामिल हैं। पहली बार खुदा की बस्ती 1958 में शाया हुआ नावल में बयानिया तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। शौकत सदीकी ने ये नावल 4 महीने में मुकम्मल किया। खुदा की बस्ती में 11 फसल यानी 11 चैप्टर्स शामिल हैं। इस नावल का तर्जमा 26 जबानों में हो चुका है। इसमें 3 मरकजी किरदार पाए जाते हैं जिनमें राजा, नौशा और शानी शामिल हैं। नौशा जो कि यतीम बच्चा है जिसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया है, और चोरी के इल्ज़ाम में वो अंदर भी जा चुका है। नयाज कबारी वाला नौशा की मां का हमसाया है और उनसे शादी की ख्वाहिश करता है और 50,000 का बीमा नौशा की मां का करवाता है ताकि मरने के बाद उसे वो बीमे की रकम मिल सके, और इस साजिश में उसके साथ मोहल्ले का डॉक्टर भी शामिल होता है। इस नावल का मफहूम शौकत सदीकी ने लाहौर और कराची के बदहाली और नागुजीर हालात को सामने रखते हुए लिखा है। इंसान लालच और तमाम में घिर जाए तो ज़बुहाल माशरे की तकमील होती है। खुदा की बस्ती गर्दिश करती है जिन किरदारों के गिर्द है वो मुख्तलिफ और बदहाल, के जैसे कोई हो मर्तबान जिसकी तज़ीनो आराइश आँखों को खैरा कर देती है।
अंदर से वो मर्द तबान खाली होता है, बस सूरत होता है जबोहाल माशरे की तरह, उन लोगों की तरह जो लालच और तमा और हिर्स की रिदा ओढ़े, छूटे लफ्जों के लबादे ओढ़े, धोखे और फरेबकारियों से अल्लाह की मखलूक को तंग करते हैं। खुदा की बस्ती में जिक्र है शर का, चोरी और गदागरी जैसे शर अंगेज अनासर और मसाइल का। हाथ दुनिया के आगे फैलाओगे तो रुस्वाई आपका मुकद्दर बनेगी, और अल्लाह के आगे दस्ते सवाल रखोगे तो वो आपको रुस्वाई नहीं देगा, रुस्वाई आपका मुकद्दर नहीं बनेगी, आपका पर्दा रखेगा। थोड़ा कमाएं लेकिन हलाल कमाएं, अल्लाह आपको इसी में सब्र दे देगा और तरक्की से भी नवाजेगा। लेकिन जहाँ लालच और हिर्स आपके रिजक में शामिल हो जाए, वहाँ बेबरकती के साथ साथ बेसकूनी, बेइत्मीनानी और मुश्किलात आपका घर देख लेती हैं। खुदा की बस्ती मेरा पसंदीदा नॉवल है, इसे मैं 2 से 3 मरतबा पढ़ चुकी हूँ और हर बार मेरे पे कोई ना कोई नया राज आश्कार होता है। इस नॉवल के बारे में ये बताऊंगी कि जो मुझे लगा कि ये एक खूबसूरत और बहुत ही क्लासिकल नॉवल है, और इसमें जो मसाइल उजागर किए गए हैं शौकत सदीकी की जानिब से, वो आजकल के मुआशरे से भी आप रिलेट कर सकते हैं, और वो कैसे रिलेट कर सकते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी जो प्रीवियस प्रोग्राम में जिन्होंने हमें कमेंट किया, मुनीर नियाजी की जो ये पोइट्री जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुझे मुताबकत लगती है आज के मुआशरे के हवाले से और खुदा की बस्ती के हवाले से। मुनीर नियाजी की खूबसूरत गज़ल मैं आपके पेशे खिदमत करती हूँ। किस्ता दोस्त किस्ता नहीं सी, ए गल्ला हुन करन दिया नहीं सी, वेले लंगे तोबा वाले, वेले लंगे तोबा वाले, बाता हुन होके परंदियां ने, जो होया ओ ते होना ही सी, जो होया ओ ते होना ही सी, ते होनिया रोके रुक दिया ने, एक वारी जद शुरू हो जावे, एक वारी जद शुरू हो जाए, ते गल फिर एवें रुकदी नहीं, कुछ उंज भी रावां औखियां सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सी, कुछ गल विच गमां दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग सालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। Till then, for the next program, your RJ signing off. Keep commenting and keep like and subscribe our channel and supporting us, because your support encourages us and motivates us to bring more and more useful and productive content. Till then, Khuda Hafiz.